जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लाई। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते घर के सारे काम निपट कर मॉर्निंग के उसके बाद ये गाय बैल और उसको हम पानी पिलाते हैं, और जो धूप में बांधे हुए होते हैं खेत में तो उनको पानी पिला के उनके जगह पे बांध देते हैं जहाँ पर हम उनको रात को बांधते थे। अभी बारिश के दिनों में वही बांधना करेंगे, लेकिन अभी धूप रहे तो इसीलिए, और अभी धूप में बहुत अच्छे से, और सुबह उनको मक्का खाने को भी डाला था तभी, इसी वजह से उनको प्यास लगती है और अभी पानी पिलाएंगे उनको। पानी पिलाने के बाद हम मोटर शुरू किए, क्योंकि दूसरे बावड़ी से पानी इधर के बावड़ी में लाते हम, क्योंकि टैंकर भरना या पे जानवरों के लिए पानी हौद भरना है अभी, और इसी से हम इसी बावड़ी से खेत में भी देते हैं। इसी वजह से मैंने अभी मोटर चालू की है पापा और मैंने, और अभी हम इसको हौद को अभी खाली हुआ है जानवर अभी पानी पिया तो अभी इसे भर देंगे।
और अभी हौद तो भर चुका है, अभी फिर से इसे बावड़ी में डाल देंगे ताकि पूरा उस बावड़ी का पानी इस बावड़ी में आ जाए। और यहाँ पे पाइप इधर उधर वो उस प्रेशर से आता है तो हो जाता है, इसी वजह से इसको रस्सी से बांध कर यहीं पर बांध देते हैं ताकि बहुत अच्छे से पाइप रहे यहाँ पर। और अभी पानी ये हमने सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि लाइट का तो कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी जाती है, इसी वजह से जो लाइट के काम होते हैं उसे हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। और अभी पूरा पानी जाएगा इसी बावड़ी में और अभी थोड़े दिनों में बारिश हो जाएगी तो ये पूरे बावड़ी भर जाती है। और अभी पानी तो पिला दिया, अभी उनको खाना डालेंगे। और ये हम जवारी का चारा स्टोर करके रखे हैं उनके लिए और बारिश से भीगे नहीं, इसलिए ऊपर से ढक के रखा है। और अभी इसी को कट करके उनको डाल देते खाने के लिए। सुबह हमने उनको मक्का डाली थी हरी हरी, अभी ये सूखा चारा डालेंगे और इसे कट करके डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो पूरा ऐसा डाले तो खा नहीं सकते, इसीलिए इसे कट करके डालते। तो ये हमारी कटर मशीन है और उसी से हम इसे कट करते हैं अभी और फटाफट से डाल देते। और अभी दोपहर का काम खत्म हुआ, अभी उसी के पास में हमारे आम के पेड़ है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हुए। और ये दूसरा है जिस पर इस साल पता नहीं क्यों बहुत कम आ गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठे है और बड़े बड़े भी है। तो कहती हूँ मैं आपको, अभी इसको नहीं तोड़ूंगी मैं। और मुझे तो सब्जी बनाने के लिए चाहिए और मेरा एक ही फंडा है, एक पत्थर और आटा। मैंने चार पांच डाले पत्थर मारे थे फिर भी वो गिर नहीं रहे थे, फिर कृष्णा ने बोला कि तुमसे नहीं होगा तुम छोड़ दो। तो फिर मैंने एक ही पत्थर मारा तो सात आम एक ही साथ गिरा दिए मैंने। अभी देखना आप आगे, पहले बहुत बार कोशिश की, नहीं गिर रहे थे तो वो चिढ़ा रहा था कि आपसे नहीं होगा। और फिर मैंने एक ही पत्थर मारा और सात मैंगोज गिर गए। देखो आपने देखा, कोई हमने झूठा नहीं किया है, सच में गिरे, पत्थर भी ऊपर तक दिखाई दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे कि मुझे अवार्ड मिल गया ऐसे लग रहा था, लगता है जब भी मेरे हाथ से बहुत सारे मैंगोज या जो बेर रहते हैं वो गिरते हैं तब उसको भी मैं ऐसे पत्थरों से गिराती हूँ। और ये प्याज हमने स्टोर करके रखेंगे क्योंकि मार्केट में इसको बिल्कुल भी रेट नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों ने नहीं बेचे है, अभी स्टोर करके रखेंगे, जब भी उसका मार्केट बहुत अच्छे से जाएगा तभी बेचेंगे। और यहाँ पर अभी लाइट है तो जो घर के आंगन में हमने पौधे लगाए उसको पानी देंगे। अभी मैंने यहाँ की नल स्टार्ट कर दी है और यहाँ से उसे पानी देना है। और ये अभी इधर से कृष्णा ने भी आगे से उसे फैलाया। और ये देखो चिड़िया कितने प्यारे प्यारे घोंसले बनाती है, ये यूज़ कर रहा था इसलिए हम वहाँ से लेके आए। देखो कितना प्यारा, बिना हाथ पैर के फिर भी इतना अच्छा सा घोंसला रेडी करते हैं। और यहाँ पे भी है, आपको दिखाई दे रहा है। और अभी उसके बाद ये आदिति हमारी, और हम इसको पानी देने से पहले थोड़ा सा खुरफ लेते ताकि पानी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और ये रोज़ के पौधे हैं जो नारियल के, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और इसको हमने खाद भी डाली थी गोबर की, तो अभी थोड़ा सा इसे
यहाँ पे अनचाही घास उगने लगे तो उसे भी हटा देते हैं और फिर पानी देंगे तो बहुत, जब अभी बारिश शुरू होने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको मिट्टी से ऐसे थोड़ा सा ये करें, क्योंकि तब फिर बहुत ज़्यादा पानी होने से ये ख़राब भी होने लगते हैं। तो उससे पहले हम लोग इसका ख्याल रखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखे भी है, इन रोज़ के पौधे पर ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, तो इस बार भी ज़रूर आएंगे और वो बहुत सारे। और हमने कड़ी पत्ता भी यहाँ नज़दीक में लगाया ताकि हम जब भी तड़का दें सब्जी को पास में ही हो, ताज़ा ताज़ा फ्रेश कड़ी पत्ता लेके जाएंगे। और बाद में हम, अभी दोपहर का सब काम ख़त्म हो गया, अभी बजे 5:30 बजे और 5:30 बजे यहाँ पे मिल्किंग टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि सरकारी डेयरी में गांव से हम भेजते मिल्क तो इसी वजह से। और अभी अच्छे से पानी से पहले वॉश कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिल्किंग स्टार्ट करेंगे। और इस गाय का बच्चा मर चुका है इसलिए इसे दूध पिलाने छोड़ा, और अभी इसको हाथों से दूध रिलीज़ करना होगा साथ करके, तब जाके वो दूध रिलीज़ करती है। और ये ऐसे भी बहुत सारा मिल्क देती है इसलिए बहुत जल्दी रिलीज़ कर देती है हाथों से भी। तो अभी मिल्किंग स्टार्ट करते हैं, आप रियल मिल्किंग की साउंड सुनिए। और ये काऊ 10 से 12 लीटर दूध एक ही टाइम में देती है और बहुत सारा दूध देती है। तो अभी फटाफट से मिल्किंग ख़त्म करेंगे इसकी, और बाद में पूछ जो गाय दूध देती है उसकी पूछ गाय भैंस की तो खानी पड़ती है, तब जाके दूध मिलता है। और ये स्टूल कृष्णा के पापा को दे दिया मैंने, और अभी दूध को कैन में डाल के गाँव में भेज देंगे, क्योंकि यदि लेट हो गए ना तो दूध घर पे रह जाएगा, इतने सारे दूध का फिर क्या करेंगे, बहुत प्रॉब्लम आती है फिर। इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम
डेयरी में भेज देते और इतना ताज़ा फ्रेश मिल्क और सब मिल्क इकट्ठा। यदि आपको मेरी आज की वीडियो या हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।